मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी को नमस्कार। देखिए बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? हाँ, मेरी आशा है कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है, पूरे कर्नाटक में, पूरे भारत में बहुत वर्षा हो रही है ना, बहुत खतरनाक स्थिति में कुछ क्या प्लेसों का स्थिति है ना, तो इसलिए बहुत दूर दूर में कर्नाटक के कोने कोने में आप लोग हैं, है ना। आपकी स्थिति कैसी होगी मुझे नहीं पता, लेकिन मैं हमेशा न्यूज में देख रहा हूँ नॉर्थ कर्नाटक में भी ज्यादा बाढ़ आने का संभव है। ओके, तो मेरी प्रार्थना है कि आप सभी को भगवान भला करें और बहुत सेफ से रखें। ओके, ठीक है। हाँ, देखिए बच्चों, आप सभी पिछली कक्षा में आठवीं कक्षा की कविता का अध्ययन कर चुके हैं, तो उसके बाद थोड़ा सा ग्रामर के बारे में बोल चुका हूं। ठीक है, ओके, उसे नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करूंगा, वो ग्रामर क्लास। अभी हम दूसरा पार्ट है मिर्च मसाला, उसे अध्ययन करेंगे। देखिए बच्चों, मिर्च मसाला, हाँ, मिर्च मसाला, देखिए किसी आहार पदार्थों को ज्यादा क्या है टेस्टी बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे उसको क्या है पदार्थों को डालते हैं ऊपर, है ना, उसका टेस्ट ज्यादा होता है ना, मिर्च, है ना, मिर्च मसाला, गरम मसाला डालते हैं ना, तो ऐसे देखिए, हाँ, हम बात करते समय भी हम लोग छोटी सी बात होती है उसे हम लोग क्या है मिक्स करके ये बातों को क्या है थोड़ा बड़ी बात बनाकर हम लोगों को सुनाते हैं। इसे मिर्च मसाला, मिर्च है ना, इसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, लोगों की आदत ऐसी है ना, एक विषय के बारे में बिना जाने और किसी को नहीं बताना चाहिए, उसके बारे में ठीक से देखना और समझना, उसके बाद बोलना है तो दूसरे से बोलना, है ना, बोलने की आवश्यकता नहीं है ना। हमारे समाज में ऐसी स्थिति हो रही है, एक छोटी सी बात होती है ना, वो बाहर आने वक्त बहुत बड़ा बड़ी बात है ना, ऐसी स्थिति है। ओके, इसलिए हम लोग आंखों से देखने पर भी तुरंत संदेह नहीं करना चाहिए, है ना, आंखों से देखने पर भी हम लोग दूसरों से नहीं बोलना है ना, ऐसी ठीक है, ऐसा संदेश इस पार में है मिर्च मसाला। ओके, एक बहुत अच्छी तरह एक लोक कथा है, लोक कथा मतलब क्या है, ये लोक कथा है ना, फोक स्टोरी है ना, बहुत सारे फोक स्टोरी है ना, लोक कथा ये कहानी है, फोक स्टोरी है ना, तो आप लोग बहुत सारे सारी ऐसी कहानियों को सुने होंगे, है ना। ठीक है, ओके, हम देखेंगे अभी मिर्च मसाला। देखिए, कभी कभी आदमी अपने विचारों को दूसरों के साथ बांटना चाहता है, लेकिन उसे यह ध्यान रहे कि राज की बात बताने से पहले वो सावधानी बरते। हाँ, देखिए, राज की बात किसी एक व्यक्ति आपसे कहता है, देखो एक विषय है उसके बारे में मैं बोलूंगा, ये बातों को और किसी से नहीं बोलना है, ये रहस्य, राज की बात है, रहस्य बात है, किसी से नहीं बोलना। ठीक है, मैं किसी से नहीं बोलूंगा, बताओ बताओ, ऐसे बोलते हैं। ठीक है, हाँ, थोड़ी देर के बाद हम लोग क्या करते हैं और एक व्यक्ति से बोलते हैं, देखो वो
उन्होंने मुझे ऐसा सुनाया, वो बोला था किसे नहीं बोलना, मैं भी सिर्फ आपसे ही बोल रहा हूं और किसी से मत बोलना। ऐसे सारी बातें उनके कानों में क्या है बता देता है। वो व्यक्ति क्या करता है, चुप बैठता है। वो व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ ऐसे एक छोटी सी एक क्या है छोटी सी बात है ना, क्या है मगा एक शब्द है, तब एक दूसरे से और दूसरे के पास पहुंचने मत दो। मगा क्या हो सकता है, मंगा हो जाता है ना, इस तरह है ना, थोड़ा सा मिक्स करके है ना, ऐसे बोलते हैं। ऐसे किसी रहस्य विषय किसी से किसी के साथ और किसी के पास हम लोग बोलने वक्त थोड़ा ध्यान में रखना है वो क्या है, सच्चे झूठे। ओके ठीक है, देखिए एक दिन शाम को भोलू आंगन में बैठकर दूध पी रहा था, उसे खांसी आई, दूध का लोटा लुढ़क गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए, वह घबरा गया, अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, देखो तुम किसी से नहीं कहोगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, कसम कसम से किसी से नहीं कहूंगी। पत्नी बोली, भोलू ने दूध में पंख की बात बता दी। हां हीरा इस बात को पचा ना पाई, उसका पेट फूलने लगा, अपनी पड़ोसन चंपा से कहा, एक राज की बात है, जानती हो आज क्या हुआ, उनके मुंह से कबूतर के पंख निकले बहुत सारे, मुझे चिंता हो रही है पर किसी से मत कहना। चंपा बोली, तुम भी किसी से मत कहना, लोग बात का बतंगड़ बना देते हैं। चंपा से रहा ना गया, उसे लगा कि अगर ये बात किसी से नहीं कही तो उसका पेट फट जाएगा। अपनी सहेली चमेली को देखते ही उसने सारी बात उगल दी, कहने से पहले चमेली से वादा करवाया दिया। चंपा बोले, देखो तो भोलू जी को आज कहां से आए और उनके मुंह से पूरा कबूतर निकला। चमेली को विश्वास नहीं हुआ, पूरा कबूतर, कबूतर तो इतना बड़ा पक्षी है, काया कैसे हो गया। ठीक है हम इसे देखेंगे। ओके एक दिन शाम, शाम मतलब क्या है सांझ, सांझ शाम के समय पर भोलू नामक एक व्यक्ति आंगन में बैठकर दूध पी रहा था। हाँ आंगन में ऐसे बैठकर चेयर में बैठकर ऐसे दूध पी रहा था। दूध पीने वक्त क्या हुआ, उसे खांसी आई। खांसी मतलब क्या है यस क्या है, खांसी मतलब क्या है कफ। ओके खांसी आई, हम लोग किसी एक पानी पीने वक्त ऐसी खांसी आई तो क्या हो सकता है, हम लोग जो पकड़ते हैं लोटा और लोटे हिलता है और लोटे में जो कुछ पानी है या दूध है वो गिर जाता है ना, इस तरह हुआ। वो लोग आंगन में क्या कर रहा था, बैठकर दूध पी रहा था, तो क्या हुआ उसे खांसी आई ऐसी खांसी आई। ओके दूध का लोटा लुढ़क गया, शेक हो गया तथा थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर मुंह से निकलकर जमीन पर फैल गया। फैल मतलब क्या है, स्प्रेड हो गया, थोड़ा सा दूध मुंह से निकलकर जमीन पर, जमीन मतलब ग्राउंड पर। ओके हाँ फ्लोर पर क्या हुआ, फैल गया। ओके यस ऐसे फैले दूध कैसे देखा, देखो तो क्या है, पहले दूध में उसको दो पंख दिखाई दिए, इसे देखता है पंख और दो पंख है, पंख मतलब क्या है, पंख हाँ पक्षी के पंख क्या है
गरी, गरी बोलते हैं ना, फेदर, ओके, यस, हाँ, दो पंख मतलब येरडु गरीगर, पक्षीय गरी, ओके, ठीक है। पहले दूध में ऐसे देखते हैं क्या है, गोलू को पंख दिखाए गए, वह घबरा गया, घबराहट, हाँ, फ्रेड भाई घबरा गया, घबराहट हो गई उसको, क्यों क्यों घबराहट हो गया, वहां पर दूध जमीन पर फैल गया था, उसमें दो पंख थे, उसे देखकर उसको वो घबरा गया, ओके ठीक है। अपनी पत्नी हीरा को बुलाकर कहा, हीरा अपनी पत्नी, पत्नी का नाम क्या है, बोलो का हीरा, क्या है, हीरा, हीरा को बुलाया, वो अंदर थी, घर के अंदर थी वो, तो उसे बुलाया, देखो देखो इधर आओ हीरा, इधर आओ, तुम किसी से नहीं कहेगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, हाँ देखो मुझे प्रॉमिस करना, किसी से नहीं बताओगी तो, हाँ अगर तू किसी से नहीं बताओगी बताओगी तो मैं तुमसे एक बात बताऊं, क्या बात है, कसम से, वो बोली कसम, प्रॉमिस है ना, हाँ देखिए ऐसे बोलते ही कुछ लोग, सभी लड़कियां नहीं, कुछ लड़कियां ऐसी बोलती है, क्या है, ऐसी करती है, हाँ सडनली, हाँ बोलता बताओ, प्रॉमिस प्रॉमिस, ओके ठीक है, क्यों ऐसे जल्दी से प्रॉमिस देती है, क्योंकि वो रहस्य को जानने की इच्छा ज्यादा है ना, ठीक है, वो कसम से किसी से नहीं बताओ, कसम मतलब क्या है, प्रॉमिस, कसम से किसी से नहीं का बताऊंगा, ओके पत्नी बोली, ओके पत्नी क्या बोली, हीरा ने कहा किसी से नहीं कहूंगी मैं, कसम से, प्रॉमिस, बोर ने दूध में पंख की बात बता दी, हाँ बोलो बताया क्या है, देखो मैं दूध पी रहा था, दूध पीने वक्त मुझे खांसी आ गई, तो लोटा लुढ़क गया, थोड़ा सा दूध फैल गया, देखो दूध में क्या है, पंख है, दूध मतलब क्या है, ये पंख मेरे मुंह से आ गया, हाँ कहां से आ गया, वो सोच रहा है, भोलू सोच रहा है कि ये पंखे पंख उनके मुंह से।